श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिस जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष बाप से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए, बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखाई ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो करे छल, धोखा दे, चुगली करे, इसी पल छोड़ दो, उसका साथ अगर होना हो आपको सफल। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है, वो अपनी जिंदगी के दुखाग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा? जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। धर्म और संदेह से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है, वो उसे सजाता है, उसमें जो होता है उसकी पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है।
उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में चले गए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरु आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है, जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह न समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन की जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं, उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है, आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड्ढा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय
खुद को ही दोषी समझें और खुद को बदलने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शरद, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथों बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, ज्यादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किन्हीं खुशियों सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे, कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना खुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि यह गुणवान व्यक्ति गुणहीन संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर सावधानी से चुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। लोगों ने चलना सीख लिया, इसलिए चल रहे हैं। हर मोड़ पर ये छल्ले जा रहे हैं तो छल रहे हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का अधिमध्य और अंत देख सकता। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता,
समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो उनके साथ रहना व्यर्थ है, वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है। आप अकेले रहे इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान लें तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का नाम है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक भदेजा गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वो बेहद ही शांति स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिसके वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान रहती थी, यानी कि वो अपने बेटी को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन सुनीता कभी भी भगवान को पूजा नहीं करती थी। सुनीता के अनुसार भगवान होते ही नहीं है, इसलिए भगवान से वो अंधविश्वास के रूप में मानती थी। एक दिन की बात है कि सुनीता की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत इसकी बेटी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब इलाज करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि अब आपके बेटी का बच पाना मुश्किल है, अब हो सके तो भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि सुनीता तो ऐसी लड़की थी जो कभी भगवान को पूजा भी नहीं करती थी और न ही भगवान को मानती थी, तो आखिर सुनीता किस मुंह से भगवान से अपने बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती। लेकिन यहां तो सुनीता अब बेहद ही बड़ी समस्या में फंस गई थी, क्योंकि इसकी बेटी अब भगवान के भरोसे ही थी। आखिरकार सुनीता हार मानकर हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर के पास जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुनीता कई घंटे तक प्रार्थना करती रही, यहां तक कि वो भगवान से प्रार्थना करते हुए ये भी सोच रही थी कि मैं किस दुविधा में हूं। जब डॉक्टर ने ना कह दिया तो आखिर ये भगवान की मूर्ति क्या हमारी बेटी को ठीक करेगी। कुछ समय बाद उधर से एक एक डॉक्टर दौड़ते हुए आई। मैडम, मैडम आपकी बेटी को होश आ गई है, जाइए और जल्दी जाकर देखिए। फिर क्या? सुनीता दौड़ते हुई गई और अपने बेटी को गले लगा दी। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को तो भगवान ने ही बचाया है, अगर आप भगवान के पास जाकर पूजा नहीं करती तो ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रहती। अगर आप शुक्रिया देना चाहते हैं तो भगवान को दीजिए। सुनीता दौड़ते हुए मंदिर के पास गई और भगवान के मूर्ति के पास लिपट गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं है, लेकिन आपने तो हमारी बेटी को ठीक कर दिया, आखिर मैं आपका कैसे एहसान चुकाऊंगा। इतना कहकर सुनीता अपने बेटी के पास चली गई। फाइनली इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्त, कि
भगवान भी हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं। और जहां शांति होती है और जो व्यक्ति शांति की पूजा करता है उसके घर में भी शांति आती है। जैसे कि सुनीता की बेटी के बीमारी को भगवान के सामने सुनीता ने पूजा की, तब उत्पन्न हुई शांति ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन शांति है। आपको बस शांत रहना है, जो भी काम करना है शांत होकर करना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक, फाइनली फिर से बोल रहा हूं कि शांति से काम करना और सपने देखना। एक दिन शोर के साथ साथ तारीफ भी आती है, इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि भगवान भी शांति के प्रतीक हैं। लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस संसार में सभी को दर्जा देना चाहिए, वो चाहे भगवान हो या डॉक्टर, क्योंकि सभी अपने अपने जगह खुश हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं। अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये रह जाएगा कि क्या मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे यह विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कृष्ण आंध चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे जिंदगी में, अपनों का साथ ना छूटे, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या होगा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छोटे। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है,
उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी का सुकून पाओगे। बैठो, कभी दो पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक हो रहा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है पर उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिलती बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, मिली है। अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है।
कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिससे वक्त दो वफादारी नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभावना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं। दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो रास्ता बनाकर भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देखकर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। ये वक्त ऐसा है कि दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला खुशियों का, कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं।
कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब? जिन सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए, रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे दो कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं, बिना मतलब कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वहां नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झुकना मत। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। आज सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है, हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है
वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है, और जब तक हम ये मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब तक हम चैन से सो पाते हैं। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है, चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ा एग्जाम। हम उम्मीद पर ही टिके रहते हैं। एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने जाता जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था, पर उसे यह उम्मीद थी एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राहुल मेहनती बहुत था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राहुल लकड़ियां लेने गया तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई तब राहुल ये समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी ना दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत छोटे आए, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा, और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली तब उसने देखा उसका एक पर टूट गया और इतने घने जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी जिसको वो बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लड़की से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राहुल के मन एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वह से दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव जरूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा
उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी माँ उसे यह कहकर समझा रही थी उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा इसलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था वह कहीं ना कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आता, कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और न जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती तो वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।